ये है जी दुबई का ग्लोबल विलेज। नहीं नहीं ओ अपने चैनल रास्ते यहाँ आके अब शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बाहर से कुछ लेना चाहें तो वो तकरीबन अगर आपको 20 दिरहम की पड़ेगी तो यहाँ तकरीबन आपको 40 प्लस हो जाएगी। एक्सपेंसिव चीज़ें हैं यहाँ पे, थोड़ी एक्सपेंसिव है। दारुल उद अल तूर यहाँ पे जो ना दुनिया की महंगी तरीन जो परफ्यूम्स है ना वो यहाँ से आप खरीद सकते हैं। यहाँ के वो चेकिंग करवा रहे हैं, ठीक है, तो शॉर्टली मैं आपको दिखाता जाऊँगा। काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है इन्होंने ग्लोबल विलेज। एक बार फिर मैं आपको बता दूँ कि ग्लोबल विलेज वो सामने देखें तुर्किया, तुर्की, तो ये आप देख सकते हैं। इसी तरह ही ना वक्फे वक्फे से तकरीबन तमाम कंट्रीज़ के जो इन्होंने वो केबन वगैरह बनाए हुए हैं, तो यहाँ से आप जिस कंट्री को यहाँ आप एंटर होते हैं ना तो अंदर जाएँ तो वही कंट्री के आपको फूड्स खाने जितने भी हैं और उनकी और दूसरी चीज़ें आप यहाँ से खरीद सकते हैं। खाने भी आप यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं उनके। ये तुर्किया, मैं कोशिश करूँगा। खिलाओ, खिंचो यार, खिंचो अपने मोबाइल से खिंचो। सही है। तो ये मेरी तो ये देखें, फुल एंटरटेनमेंट मॉल है। आप किधर है? इधर आओ, आप बनाने हैं, आओ इधर। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे दोस्त आए हैं साथ। ये भाई तुर्की है, हम तुर्की में ये तुर्की में एंटर हो गए हम। ये तुर्की के इधर जो मशहूर चीज़ें हैं वो सब जगह से मिलेंगी। तुर्की की सारी चीज़ें यहाँ से मिल सकती हैं। आप सही है, कोई चीज़ भी चाहिए इधर का तुर्कर का मिलेगा। ठीक हो गया, सॉरी भाई जान, सॉरी। ये देख सकते हैं आप, यार मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है तो अगर कहीं गड़बड़ हो जाए ना तो माजरत यार, ठीक है। ये स्वीट्स आ गई इधर, स्वीट्स आ गई, स्वीट्स ये आप देख सकते हैं, ये सारी स्वीट्स हैं इनकी, ठीक है। सॉरी भाई, ठीक है, चलें जी। और ये भी इनकी जिस तरह को पेस्ट्री वगैरह नहीं होती, तुर्किश ब्रो बोर्क जिसे कहते हैं, वो बकलावा, आइसक्रीम, स्टफ मसल, ये हैं सारे। मेरे दोस्त कहीं और चले गए हैं तो मैं उनको ढूंढ लूं पहले। ये देखें बड़ा माहौल बनाया हुआ है इन्होंने इधर, बड़ा प्यारा सा हम देख सकते हैं इधर। यहाँ से आप प्योर खालस हर चीज़ ले सकते हैं, ठीक है। ये देखें इधर कावा है, तुर्किश कावा, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा, ये रेट है, ये देख सकते हैं आप। अब किसी और कंट्री में एंटर होते हैं
तो वहाँ पे आपको दिखाते हैं उनकी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको दिखाते हैं। ये देखें, मैंने आपसे पहले कहा कि माइंड नहीं करना, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, सही है ना। ये देख कितना खूबसूरत, ये इनका कल्चर है। और ये हैं वो आइसक्रीम वाले, ये बड़े मशहूर हैं। ये देखें, ये देख सकते हैं आप। ये देखें फुल ड्रामा चल रहा है इधर, उसको तंग कर रहा है और दे दिया। तो अब आगे चलते हैं, आगे आपको माहौल दिखाते हैं कुछ। जी भाई जान, हम इस टाइम पाकिस्तान में आ गए हैं। पाकिस्तान आ गए हैं, पहले कहाँ थे? पहले हम तुर्की गए थे। लो जी, ये पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान ये हमारा अपना मुल्क आ गया। तो चलते हैं यहाँ, देखते हैं कि यहाँ पर हमें कौन सी ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान से मिलती हैं और यहाँ भी अवेलेबल हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले हम आ गए इधर कपड़ों की दुकान पे। ये इधर सियालकोट की पहचान, ये जैकेट लेदर के हैं। सही है, पाकिस्तान का अच्छा वाला है वो इधर। सही है, ठीक। ये देखें सर, छठी में बोला ना ले जाओ। और ये इधर भी देखें, यहाँ पे आप तकरीबन ये सारा जो है ना, ये कपड़ों का बाजार, कपड़ों वाला। ये देखते हैं, यहाँ खामोशी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में। आप पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शोर डालते हैं, इधर खामोशी है। इधर ये देखें सारी लेदर, और ये सारे मफर रुमाल हैं। भाई मान है, इधर आ जाओ। यहाँ पे सारा कपड़े लगा हुआ है, कपड़े कपड़ा सारा। ये गर्म कपड़े हैं सारे जो यहाँ पे नहीं चलते। हाँ सही है, ठीक। और ये पाकिस्तानी कहवा आ गया, सही है। इधर आगे चलते हैं, चलें जी। अब हम आपको दिखाते हैं अपना कल्चर, पाकिस्तान का कल्चर। हाँ देखो, हाँ जी वाह, माशाल्लाह। जाके ढोल भी बजा रहे हैं, म्यूजिक लाइव चल रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिखा सकूँ। ये देखें ये पाकिस्तान का, ये थोड़ा मिल गया हमें खाने पीने के लिए, और वो है कुछ सामान लगा हुआ। चलो जी, चलें जी, अब बाहर निकलते हैं। ये देखें रिक्शा, तुर्किश आइसक्रीम।